हेलो भाई, कल तो मैं क्या आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल के चीले की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। आज जो है वो बारिश का मौसम है, इसलिए मैं आज ये मूंग की दाल का चीला बनाऊंगी। ये जो बारिश के मौसम में जो बहुत टेस्टी लगता है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे मैं अपनी रेसिपी को शुरू करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मूंग की दाल का चीला। तो मूंग की दाल के चीले के लिए मैंने यहाँ पे मूंग की दाल लिया है, हरी वाली मूंग की दाल है ये। इसको मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगो के रख दिया था। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको एक ग्राइंडिंग जार में ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इस दाल को आधा आधा करके पीस लिया। ये मैंने यहाँ पे ये दाल ले ली पूरी। और अभी मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मैं ये ले लूंगी बारीक कटा हुआ अदरक, 2 लहसुन की कलियां। लहसुन को छीलने के लिए बहुत टाइम लगता है, उससे बहुत इरिटेशन होते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपको एक टिप भी बताऊंगी, या आप 2-4 लहसुन की कलियां ले लीजिए और इसको एक पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक लहसुन लेना है इस तरीके से, और फिर इसकी जो टॉप है इसको आप कट कर लीजिए। ये आप ये देखना कितनी ईजी है, निकल जाएगा। कितना इजी है, लहसुन जो है वो निकल गया छिलके एकदम। तो बस में डाल देते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च ली है, मैं ये हरी मिर्च भी इसमें काट लूंगी और डाल दूंगी। अभी आप इसको एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब देख सकते हैं दाल को मैंने हल्का सा पीस लिया है, जैसे थोड़ा महीन हो गया। अभी मैं क्या करूंगी, इसमें हल्का सा पानी ऐड करूंगी, आधा कप, और फिर से मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी मिक्सी में डाल के। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, अब मैं इसको देख लेते हैं। ये देखिए कितना मस्त इसका पेस्ट निकल के तैयार हो गया है। अब आप इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफर कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं चीले के साथ से ये जो पेस्ट है वो थोड़ा गाढ़ा है, तो इसलिए मैं इसमें ये थोड़ा बहुत पेस्ट बचा हुआ हमारे जार में, तो हम इसमें ही थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इस पेस्ट में डाल देंगे। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा पानी ले लिया, मैं धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाऊंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। तो थोड़ा पतला कर लीजिए, मैंने इसको पतला कर लिया। अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा ये मैंने बेसन ले लिया आधी कटोरी, ज्यादा बेसन मत लीजिएगा क्योंकि ज्यादा बेसन लेने से क्या होता है ना, बेसन में थोड़ा प्याज ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने बस जरा सा बेसन लिया है। इसको मैंने मिला लिया है अच्छे से, ताकि इसमें जो बेसन की लम्स है वो ना रहे। थोड़ा सा और बेसन मैं इसमें ले लूंगी, यहाँ पे आधी कटोरी मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। जैसे जैसे आप उसमें बेसन मिलाएंगे आपका बैटर जो है वो थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, तो आप उसमें थोड़ा सा और पानी भी ऐड कर सकते हैं बाद में। बेसन हमारा इसमें मिल गया अच्छे से, मैं इसमें हल्का सा पानी और ऐड करूंगी। मैंने पूरा पानी डाल दिया इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी नमक, तो आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर लीजिए, लेके आधी चम्मच के करीबन मैंने इसमें नमक डाल लिया।
नमक आप इसमें हिसाब से डालिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दाल में नमक तेज हो जाएगा तो फिर जो आपका चीला है वो अच्छे से नहीं बनेगा। अभी ये बैटर हमारा एकदम रेडी है, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है, बट मैंने इसमें ऑलरेडी हरी मिर्च डाल चुका है तो इसमें अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगी नमक और बेसन के अलावा। अब मैं इसमें क्या करूंगी, काट के हरा धनिया मिला दूंगी ऊपर से। यहाँ पर मैंने अपने मिक्सचर में थोड़ा सा हरा धनिया मिला दिया जिससे हमारा चीला जो है वो अच्छा लगेगा। हमको अच्छे से मिला लीजिए इसको, और ये देखिए हमारा पेस्ट एकदम रेडी है बनके। अब आप इसके चीले बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चीले बनाने के लिए मैं दाल को थोड़ी देर ढक के रख दूंगी। पेस्ट जो है वो चीले का वो बनके रेडी है, तो अब भी आप थोड़ी देर के लिए बस इसको ढक के छोड़ दीजिए 15-20 मिनट के लिए, इसको रेस्ट करने दीजिए। उसके बाद हम इसके चीले चलाए करेंगे। अब चीला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया था, उसको मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें जो हमारा बैटर है उसको मिलाऊंगी। आप एक चमचा ले लीजिए, उससे बैटर को तवे पे डाल दीजिए और फिर इसको गोल 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 जो जगह छूट रहे हैं वहाँ वहाँ आप थोड़ा और दाल मिला सकते हैं, पतला कर लीजिए ऐसे। अब आप इसको थोड़ा देर सिकने दीजिए। मैं इसके साइड से क्या करूँगी, इसमें ऑयल मिला दूंगी जिससे ये सिक जाए। एक चम्मच लीजिए, गैस को आप मीडियम फ्लो पे करिए जिससे कि जले ना। ऑयल डाल लीजिए, क्योंकि थोड़ा स्टिक करेगा तो हम इसको पलटी सिकने लगा है। आप सावधानी से इसको पलट लीजिएगा। पहले हम इसको नारों से थोड़ा अनमोल कर लेंगे। आप में गेहूँ कितना आसानी से उड़ गया, तो दूसरी तरफ से भी ऐसे पलट पलट के सेक के आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, ज्यादा हाई भी नहीं करना है। यूं तो अपने चीले को सेक लेंगे। फिर देखिए दूसरी तरफ से भी अगर उसको पलट देंगे, और इसी तरीके से आप पलट पलट के अपने चीले को सेक लीजिए। देख सकते हैं हमारा चीला जो है वो सेक गया है। तो अब आप इसको यूं पलट के निकाल लीजिए प्लेट पे। इसी तरीके से मैं दूसरा अभी बनाऊंगी, तो गैस को पहले आप लो कर दीजिएगा, उसके बाद आप इसमें अपना दाल बैटर डालिएगा और फिर इसको फैला लीजिएगा यूं ही, और बैटर डाल दीजिए किनारे किनारे पे वो फैला लीजिए हल्के हाथों से। और फिर इसमें तेल डाल लीजिए, उठ जाएगा। और इसी ऐसे हम उसको भी पलट पलट के सेक लेंगे और रेडी कर लेंगे। ये देखिए जब आपका चीला सिक जाएगा तो वो आराम से उठ जाएगा, और ये पलट गया मैंने। और फिर अब इसको हल्के हाथों से दबा दबा के दूसरी साइड से भी सेक लीजिए। देखिए अभी मैं इसको पलटूंगी, ये पलट दी मैंने। ये मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखा है जिसको कि दाल को सेकने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने गैस को हाई रख लिया है।
मैं इसको सेक लूंगी ऐसे पलट पलट के, जिससे कि ये थोड़ा कुरकुरा हो जाए, और फिर मैं इसको प्लेट में सर्व कर लूंगी। मैंने चीले को प्लेट में सर्व कर लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा पनीर लेके भी, पनीर किसके भी डाल सकते हो, ये और टेस्टी लगेगा आपको। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ आगे की रेसिपी भी आऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।